ये ले, मिर्ची मेरी सूख गई है, इसे 2 दिन लगे हैं। और इसमें देखो मैंने मेथी दाना भी डाला हुआ है, ये देखो मेथी दाना भी है। अगर आप मिर्चे सरसों में मेथी दाना डाल दें ज़रा सा पीसते हुए, तो सब्ज़ी जब बनाएंगी तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। तो मैंने ज़रा सा मेथी दाना डाल लेती हूँ, बस इतना ज़रूर है कि हाँ फिर वो व्रत में इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं, लेकिन मेथी दाने से डालने से सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मिर्चें मेरी सूख गई हैं आज, और मैं देख लीजिए पीसती हूँ मिर्च, ये मैं घर पे ही पीसती हूँ ज़्यादातर मिर्च। देखिए मिर्चें मेरी पीस गई हैं, पीस ली हैं मैंने मिर्चें। मैं ना ज़्यादा बारीक पीसती हूँ ना ज़्यादा मोटी, थोड़ी बीच की रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल पीसी हुई मिर्चें होती हैं तो वो क्या कहते हैं मसाला रसे की सब्ज़ी बनाओ तो नीचे बैठ जाती हैं, और सूखी बनाओ तो वो नहीं। मुझे कुटी शुरू से कुटी हुई पसंद है, मैं कुटी हुई रखती हूँ। और ये मैं इसमें करके रख दूँगी मसाला, अभी दसक फैल गई है, सूखी हुई हो मिर्चें पीसती सबसे जल्दी हैं। इसे मैंने थोड़ा सा मेथी दाना पीस दिया है, कोई 150 ग्राम मिर्चों में 1 टेबल स्पून या एक जो होता है ना टीस्पून छोटी वाली चम्मच जो होती है क्या कहते हैं वो मेथी दाना डाल दो इसमें बस। देखो इसमें मेरी 1 महीने की छुट्टी हो गई, 250 ग्राम मिर्चें थी, ये तेज़ बहुत होती हैं ये पतली वाली मिर्चें। फिर हम ज़्यादा लाल मिर्च खाते नहीं हैं, हरी मिर्च ही खाते हैं, हरी मिर्च ज़रूर यूज़ होती है हमारे यहाँ। तो बस ये 1 महीने की छुट्टी हो गई है, इसमें भर गया है मसालेदान, मैं अभी करूँगी नहीं क्योंकि मसालेदान के लिए मैं ले आई थी। ठीक है मैं इसे इसमें पलट लेती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? भगवान से दुआ करती हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम दोपहर का बज रहा है 1, और मैं बना रही हूँ लंच, और मैं आपको दिखा रही हूँ पनीर की रेसिपी, पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइबैन रख दिया है मैंने, और ये गैस खोल दी है, और गैस को खोलने के बाद मैंने इसमें ही मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, और ये उठा के रख देती हूँ। ये मैंने पनीर बनाया था कल, घर पे ही बनाया था पनीर की, मैंने आपको दिखा रखा है अपनी वीडियो में कि मैं घर पे पनीर कैसे बनाती हूँ। तो घर पनीर बनाया है साथियों, देखियो कितना प्यारा कितना अच्छा पनीर बना है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इतना बढ़िया कल बनाया था मैंने। देखिए स्पंज कितनी स्पंजी है, बहुत प्यारा बहुत टेस्टी, बच्चों ने वैसे भी खा लिया थोड़ा सा। और ये बनाया है, इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज, थोड़ा सा प्याज है इसमें, थोड़ी सी लहसुन है, और अभी आती हूँ 1 मिनट, और ये डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ काजू 2-4 निकाल के इसमें से, अच्छे टेस्ट आ जाता है काजू डालने से, डाल देती हूँ और एक मैं खा भी लेती हूँ। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, बस थोड़ी सी फूल जाए ये प्याज, थोड़ी मोटी मोटी काटी है तो बंधी हुई है, बस जरा सी ये प्याज खुल जाए और हल्के सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही तलना है इसे। इसमें लहसुन की कलियाँ भी हैं, थोड़ा सा पका हुआ गोला भी डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा
इसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च मैं नहीं डालूंगी, हरी मिर्च में साबुत काट के डालूंगी, हरी मिर्च इसमें नहीं डालूंगी, अभी सही से खुली नहीं है प्याज, देखिए पनीर गाइड्स आप वैसे बनाना जैसे मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, बहुत अच्छा घर में पनीर बनता है। मैं कभी मजबूरी हुई तो मैं बाज़ार से मंगाती हूँ, जैसे मैं बाज़ार से मंगाती नहीं हूँ ये दोस्तों, मुझे तो महंगा बहुत लगता है बाज़ार से, 320 रुपये 340 रुपये ऐसे ही है। तो मैं तो 1 किलो दूध मैंने अपना 2 दिन का या 3 दिन का इकट्ठा किया, 2-3 दिन का दूध इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर मैं पनीर बना लेती हूँ। ये मैंने टमाटर डाल दिए, इसमें टमाटर कर लेंगे थोड़े से फ्राई, टमाटर भी थोड़े फ्राई हो जाएंगे इसमें, फिर से मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर चलाऊंगी इसे मिक्सी में, इसे ठंडा हो, जब थोड़े टमाटर भी हो जाएंगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी, ठंडा हो जाएगा फिर मिक्सी में पीस के सब चीज़ों को, ये प्याज टमाटर काजू गोला जो भी है इन्हें सबको मिक्सी में पीस के फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। बस आज बच्चे कह रहे थे चावल खाने हैं, कल भी नहीं बने थे चावल, परसों भी नहीं बने थे शायद, परसों भी नहीं बने थे चावल, कल भी नहीं बने, परसों को नहीं देता है, कल नहीं बने, हमारे एक दिन चावल ना बने ना तो समझो खया मत आ गया। तो हो गया बस, इसे मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, इतना ये ठंडा होगा, मैं मिलती हूँ आपसे अभी। देखिए मैंने ये चावल भिगो के रख दिए, चावल भीग गए हैं, ये 2 रोटी का आटा ये गून दिया है ये वाला, और बाकी गेहूँ का आटा गूंदा रखा है, तैयारी सारी है, बस बनाना है। अभी जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपसे मिलूंगी, ये अभी मैं छोड़ देती हूँ। हेलो, अब बना रही हूँ मैं देखो पनीर की सब्जी और ये देखो सब हंस रहे हैं, ये ऐसे करते हैं जब मैं बोलती हूँ ना तो ये लोग ऐसे हंसते हैं, तो कोई बात, हम तो अपना वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पनीर की सब्जी बना रहे हैं और देखो ये घर का पनीर बना हुआ है मेरा, जैसे बताया था मैंने आपको, और मैं हरी मिर्च बीच में से चीर के साबुत डालती हूँ, और ये डाल दिया है मैंने जीरा और हींग, और जब तक ये होगा इतने बस डाल देती हूँ, जीरा डाल के, और मैंने मसाला डाल दिया है जो मैंने प्याज टमाटर फ्राई करके तैयार किया था ना वो मसाला डाल दिया है मैंने, और देखो मसाला डाल के क्यों गैस बुझा देती हूँ मैं थोड़ा, जब मैं जीरा वीरा हो जाता है ना, क्योंकि अगर गरम गरम तेल में डालो तो सब उड़ जाता है वो ऊपर को, तो मैं गैस बंद करके थोड़ा हल्का सा हो जाता है तो मैं मसाला डालती हूँ, उड़ता नहीं है फिर वो उसका घी, नहीं तो जो चिकनाई होती है वो ऊपर को उड़ जाती है। तो देखिए अब मैं ये बना रही हूँ, इसके बाद थोड़ा शोर मच रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई बात नहीं होता है ऐसा, हल्दी मिर्ची धनिया सब डाल दिया है, गरम मसाला भी मैं सब्जी में हाथों हाथ डालती हूँ। अब देखिए घी छोड़ने लगता है, ये वाला मसाला जो होता है ना आप फ्राई करके थोड़ा हल्का फ्राई करके पीसोगे तो छोड़ने, ये घी छोड़ने लगता है, घी छोड़ने लगा है मसाला देखिए आप। और अब इधर मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, कुकर में ही बनाए हैं चावल, कुकर के ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं खोल के दाल के साथ बनाती हूँ, खोल के ही बना लेती हूँ, लेकिन खुले में पसंद बच्चे कम करते हैं, कुकर के ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कुकर में बना लिए, चावल रख दिए हैं इधर बनने, इधर आटा मला हुआ रखा है, ये पानी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मसाला लग रहा था उसमें जार में, उसे ही धो के मैंने डाल दिया है, ये ऊपर से पनीर भी मैंने डाल दिया है। देखिए अब इसमें थोड़ा खोल जाएगा ये, तो बस मैं इसे बंद कर दूंगी और सब्जी रेडी हो जाएगी।